अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी लाहौर पहुंचा हूं और सुबह के मेरे ख्याल में 9:30 बज रहे हैं और जिस बंदे से मैंने मोटरसाइकिल आज ख़रीदनी थी उसका नंबर बंद जा रहा है। मैं जंग से डायरेक्ट लाहौर आया हूं और बस स्टेशन से अब यहां पर मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन की मून मार्केट है, वहाँ पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कब वो बंदा मेरा फ़ोन उठाए, कब फ़ोन कनेक्ट हो, कॉल कनेक्ट हो, कब वो बंदा मेरा फ़ोन उठाए। कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं होंडा से भी 150F लूँगा और मैंने उसके लिए होंडा के शोरूम में एक जाने वाला मेरा बंदा था उसे मैंने कॉल भी कर दी कि भाई डन कर दो, मैं आगे बस पेमेंट करता हूँ। उसने कहा चले ठीक है मैं आपको बताता हूँ। रात को फिर मैंने अपने को एक्सपेंसेस लिखे सारे कि अगर मैं मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरा कितना ख़र्चा होगा, तो जो मैंने एक्सपेंसेस मैंने अपने सारे मोटर बाइक्स में कोई मेरा तकरीबन कोई 260,000 रुपये मेरा बन रहा था एस्टिमेट, तो मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। मैंने कहा कोशिश करता हूँ कि कोई हल्की बाइक ले लेता हूँ, लाइक 125 को ले लेता हूँ जामा, तो मैं उस पर सर्च कर रहा था। अब ये पहले मैंने नहीं बताया कभी लेकिन रोड प्रिंस की जो है बाइक है विगो और रॉबिन्सन 150, दोनों 150cc में है। जो इसमें रॉबिन्सन है वो बेसिकली है टूरिंग बेस्ड मोटरसाइकिल है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो डर्बी रावी ने डर्बी 150 के नाम से ETX 150 के नाम से निकाली वो बाइक एक टाइम पे मेरा पैशन था। एक टाइम क्या, 2-3 महीने पहले की बात है जब मैंने अकीक बाइक के रिव्यूज़ देखे थे वीडियो में, और अकीक बाइक डैट बाइक का डूड वाले, तो बस मैं पागल हो गया था। मैंने कहा बाइक लेनी है तो ये लेनी है, लेकिन फिर उसकी प्राइसिंग मेरे अप्रोच में नहीं थी। वो 1,95,000 की आई थिंक रोड प्रिंस है और 2,30,000 की जो है वो रावी के जो वर्जन है उसमें, तो वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी। रात में देख रहा था तो मुझे OLX पे एक ऐड नज़र आया, उसमें खैर अभी मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ लेकिन उस बंदे का नंबर बंद जा रहा है, तो मेरी जैसे ही इससे कॉल कनेक्ट होती मैं सारी रात का सोया नहीं हूँ। जो पिछली रात गुजरी मैं बिल्कुल 10 मिनट भी शायद खुशी से मैं मेरी नींद को आँख लगी होगी, तो मैं सुबह तकरीबन 5 बजे वहाँ से निकला हूँ, मतलब तैयार हुआ हूँ 6 बजे की गाड़ी से निकला हूँ, 9 बजे मैं यहाँ पे स्काईवेज के टर्मिनल पर पहुँच गया था। अभी मैं यहाँ मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन में बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, अपने कज़न को बुलाया, मैंने कहा नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद देखते हैं उस बंदे का नंबर ट्राई करते हैं, अगर तो मिल गया तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो सारा दिन मैं ही बैठा हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके जाने में।